एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं करने वाली हूँ थ्री स्टेप हेयर कट। तो ये हेयर की लेंथ है, तो कैसे कट करना है पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो पहले मैं कॉम करूँगी बालों को अच्छे से, पहले अच्छे से बालों को गीला कर लेना है। छोटा करना है, छोट करेगा इतना ना, लेंथ ज़्यादा नहीं निकलेगी बट स्टेप पूरे आने चाहिए ना। क्लचर लगाएगा इस तरीके से, बालों को गीला कर लेंगे। साथ में एक क्लचर रखिएगा एक, ताकि जब आप हेयर कट करो तो बालों को मैनेज करने में दिक्कत ना आए। सबसे पहले आपको इस तरीके से आईब्रो के आज से हेयर को उठाना है। ओके, इस तरीके से पूरा राउंड भी हेयर को उठाएंगे। और ऊपर का जितना आपको रखना है स्टेप, वहाँ तक इसको सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अगर आपको बाल ओपन रखना है तो आप ये कैश हेयर कट काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। इस तरीके से रखेंगे पूरा 90 डिग्री पे, यहाँ से हमारे स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे और इतना हेयर कट कर देंगे। इतना हेयर कट करने का मतलब ये नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा लेंथ जा रहा है, इसमें आपकी लेंथ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बस स्टेप के लिए आपको ऊपर से इतना लेंथ कट करना है। अब इसको इस तरीके से रखेंगे एंड सीधा कट कर देंगे। सीजर को स्ट्रेट करके इस तरीके से छोटे छोटे से कट लगा देंगे इसमें। और ये काफ़ी खूबसूरत सा स्टेप हमारा फर्स्ट लेयर का आ गया यहाँ पे। अच्छे से इसको दोबारा से गीला कर देंगे। सेंटर से पार्टीशन लेंगे, इस साइड के हेयर को इधर कर देंगे और इस साइड के नीचे के हेयर को इतना छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी लेंथ छोटी नहीं करनी है। तो नीचे के हेयर को इतना छोड़ दिया, अब अपर डायरेक्शन के हेयर को पूरा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और ये जो हमारी गाइडलाइन है, ये देखिए, ये जो हमारी गाइडलाइन है इसके अकॉर्डिंग ही कट करना है। इस तरीके से मिला देंगे, छोटे छोटे से कट लगा देंगे। बहुत प्यारा सा स्टेप सारे दिख रहे हैं इसमें। दूसरी साइड भी इसी तरीके से लेना है। ये देखिए, जो हेयर का नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से हेयर को लेना है और इतना हेयर आपको छोड़ देना है, बाकी हेयर को ऊपर की तरफ कॉन करके लेके जाएंगे। गाइडलाइन हमारी ये रही, इसके अकॉर्डिंग सारे हेयर को कट करेंगे। इस तरीके से तिरछा कट करेंगे।
इस तरीके से पूरा फॉर्म कर लिया है अच्छे से बालों को, सेंटर की पार्टीशन निकाल के, बीच की मांग निकाल के, और जो हमारा क्राउन एरिया है वहाँ से हेयर को इस तरीके से उठाएंगे। सिर्फ क्राउन एरिया से ही हेयर को लेना है और ऊपर के साथ फॉर्म करके लेके जाएंगे। पूरा स्ट्रेट 90 डिग्री पे फॉर्म करके लेके जाएंगे और 1 से 2 इंच हेयर को कट कर लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है, छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। इसके बाद फिर से सेंटर पार्टीशन लेके सारे बालों को अच्छे से फॉर्म कर लेंगे और यू शेप में इसको कट कर लेंगे। सीधा हल्का सा झुका, यू शेप में या स्ट्रेट कट में आपकी मर्जी है, आप कैसे कट करना चाहते हो, बट हल्का सा नीचे से यू शेप दे रही हूँ यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत प्यारा सा कट यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लचर लगा लो या फिर पोनी भी बनाओगे तो भी बहुत अच्छा लेयर दिखेगा इसमें। इसमें अगर ये पोनी बनाती हैं तो भी सारे लेयर्स अच्छे से दिखेंगे, खुले रखेंगी तो भी अच्छे लगेंगे, एंड हाई बन बनाती हैं तो भी काफ़ी अच्छे और खूबसूरत से दिखेंगे, लुक आएंगे यहाँ पे। ओके, फ्रंट से भी काटना है अभी ना, इधर होगा छोटा करना उतना ना, मतलब इतना चलेगा ना। तो फ्रंट से कट करने के लिए आपको इस तरीके से हेयर को लेना है, नोज के सीध में एकदम लेके आएंगे हेयर को। इस तरीके से तिरछा कट कर देंगे। उसके बाद अगर आपको शॉर्ट करना है पहले दोनों साइड से कट कर लीजिए, अगर आपको और शॉर्ट करना है फ्रंट से शॉर्ट करना है थोड़ा सा, इस तरीके से वी शेप में दोनों साइड से हेयर को लेंगे। इस साइड के हेयर को छोड़ देंगे लॉन्ग में ही और ये जो ऊपर का फ्रंट का हेयर है इसको ले लेंगे नोज के पास से, नोज के पास से कट कर देना। पूरा हेयर कट हो चुका है इनका, फ्रंट से लेयर एंड बैक से इनका फुल स्टेप हेयर कट है। तो मैं बैक का व्यू दिखा देती हूँ। तो ये हेयर कट अभी कंप्लीट हुआ है हमारा, स्टेप हेयर कट। इस थोड़ा ऊपर करके क्लचर लगाइए, हाँ इस तरीके से देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको आप अगर ब्लो ड्राई कर दोगे तो बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाएगा आपके स्टेप हेयर कट का, और फ्रंट से भी काफ़ी अच्छा लुक आया है। थोड़ा इधर करिएगा, यहीं घूम, ये देखिए फ्रंट का जो हेयर कट किया था। तो इस तरीके से आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई और हेयर कट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम
और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक मिनट का कौन है? मार दूंगी थप्पड़ आके अभी। चट कुत्ते। नहीं चिल्ला रहा।